अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खतक टेक ओशन में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो फोटो एडिटिंग के हवाले से है। फ़ोटो एडिटिंग एक बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर और बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन है जो कि हर कोई यूज़ करता है और मुख्तलिफ किस्म की जो है अपनी फ़ोटोज़ को वो एडिट करता है। इसमें एक ख़ास ऑप्शन है कि अक्सर लोग यूज़ 80-90% लोग यूज़ करते हैं, फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो उसके लिए जो है आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें आपको चाहिए होती है महारत। और अगर आपको उसमें यूज़ करने में महारत नहीं है या आपने पहले यूज़ नहीं किया, तो आप जब अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उसमें परफेक्शन नहीं होती, कहीं पे कोई ना कोई ख़राबी रह जाती है और पहचानी जाती है कि इस जो है फ़ोटो का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो चेंज हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बल्कि जो टिप देने जा रहा हूँ, उससे यह है कि आप अपने जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो चंद सेकंड में चेंज कर सकते हैं। और इस तरह नहीं कि मतलब वो पहचाना जाएगा, इस तरह चेंज होगा उसका बैकग्राउंड कि उसमें 100% जो है परफेक्शन होगी और बहुत ज़बरदस्त वो जो है दिखाई देगा। और आप किसी भी बैकग्राउंड में जो है वो उसको आप लगा सकते हैं, तो कहीं से भी उसका मतलब है कि इस तरह कोई पता नहीं चल सकता कि इस फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड चेंज हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक, आपने जो टिप मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपने जो है अपनी पिक्चर जो कि 8 MB से कम है उस पे काम करना है। 8 MB से ज़्यादा की पिक्चर का बैकग्राउंड वो चेंज नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि इस पे काम करते हुए आपका जो डेटा कनेक्शन है वो कनेक्ट होना चाहिए, और मतलब कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उस पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने डिवाइस स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड आसानी से किस तरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी इसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने सेलफोन में यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है www.remove.bg, मतलब बैकग्राउंड, उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब आप एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आप देखें, आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा सेलेक्ट अ फोटो और दूसरा होगा एंटर URL। URL से मतलब होता है कि जो आपकी अपलोडेड फ़ोटोज़ हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे हो गया, ट्विटर पे हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया, उनका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। और दूसरा सेलेक्ट फ़ोटोज़ हैं, मतलब जो कि आपके मोबाइल में डिवाइस में हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट फ़ोटो से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, गैलरी है, कैमरा है और फाइल मैनेजर है। गैलरी में अगर हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी है, हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम गैलरी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गैलरी हमारे सामने जो है इस तरह ओपन हो जाएगी। अभी जिस फ़ोटो का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है उस फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक जो है फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये फ़ोटो हमने सेलेक्ट की है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, वो फ़ोटो हमारे साथ आ गई है और देखें नीचे उसका जो है वो उसने जो है वो बैकग्राउंड जो है वो भी रिमूव हो गया है। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ़ोटो है वो हमारे सेल फोन में या डिवाइस में सेव हो गई है। अभी आप इस फ़ोटो को जो है अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी किसी भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये एक इंतहाई आसान और बिल्कुल आपका बैकग्राउंड जो है नीट एंड क्लीन, आप इसको बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं इस जो है ऑनलाइन रिमूवर बैकग्राउंड की मदद से। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हुई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त।